चार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आग्रह कर रहा हूँ श्रीमान मोहन सिंह की साकंडा से कि आप पधारे और साहब बैठा करके आदरणीय मदन दिलावर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं श्री गिरधर सिंह जी सिया से आग्रह करूंगा कि आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जी क्योंकि माला नहीं पहनते हैं लेकिन उन्हें माला भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री लाल सिंह जी महिलावास से आग्रह करूंगा कि वो श्रीफल भेंट कर आदरणीय मदन दिलावर जी का स्वागत करें और श्री दुरुक सिंह जी खाराबेरा से मैं आग्रह करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह प्रदान कर हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। हमारे मंच पर आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन हम सब लोग करें। हमारा सौभाग्य है कि इस संस्थान के दूसरे वार्षिकोत्सव में आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। जिस शिक्षा क्षेत्र में हम सब लोग लग करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, एक शिक्षित समाज कैसे खड़ा हो सकता है, उसमें आज का ये कार्यक्रम चार चांद लगा करके हम सबको विशेष मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय मदन दिलावर जी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका अमूल्य समय, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी आज सबसे बड़ा सौभाग्य है कि कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं लेकर के केवल और केवल गुरु महाराज के चरणों में आज का ये कार्यक्रम आपने दिया, इसलिए जोरदार इनका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं संपूर्ण राजपूत समाज की तरफ से। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में मंच पर जो उपस्थित है दूसरा प्रमुख परिचय, राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान की विधानसभा में समाज का एक ऐसा चेहरा जो हम सबकी आवाज बनकर के उभरे हैं, मंडल से लेकर के बूथ से लेकर के जिन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर काम करके भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित किया और आवर जैसी विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने हैं आदरणीय छगन सिंह जी राजपुरोहित का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। ये भी सतगुरु देव जी का आशीर्वाद है कि दूसरी बार आप विधानसभा में पहुंचकर राजपुरोहित समाज की आवाज बने हैं। मैं श्री राम सिंह जी अरावा से आग्रह करूंगा कि वो पधारे और श्रीमान छगन सिंह जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। श्री भैरू सिंह जी से आग्रह करूंगा लुम्बावास से कि वो पधारे और माला पहना करके छगन सिंह जी का स्वागत करें। श्री श्याम सिंह जी पिलौवणी से आग्रह करूंगा कि वो पधारे और श्रीफल भेंट कर हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि छगन सिंह जी का स्वागत करें। श्रीमान खुशाल सिंह जी लोनावास से भी आग्रह करूंगा कि आप मंच पे पधारे और स्मृति चिन्ह प्रदान कर हमारे लोक लाडले और लोकप्रिय विधायक श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित का स्वागत और अभिनंदन करें। समाज का एक चेहरा जो राजनीति में हम सबका नेतृत्व करते हैं श्रीमान छगन सिंह जी राजपुरोहित आहोर के लोकप्रिय विधायक, हमारा सौभाग्य कि आज के इस कार्यक्रम में आपका भी मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। पूज्य गुरु महाराज ने फरमाया है ये जो संस्थान आप देख रहे हैं, जिस संस्थान को खड़ा किया है उसकी जमीन मायलावास की तरफ से संस्थान थोड़ाओं की तरफ से दी गई है। मैं चाहूंगा उन सब के लिए और गांव वासियों की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें और गुरु महाराज का यह भी कहना है कि मैंने मेरा प्रयास किया है, अब आप सब लोग लगकर के शिक्षा के मंदिर को देश और दुनिया में राजस्थान का एक शिक्षित शिक्षा का संस्कारी मंदिर कैसे खड़ा करें, यह आप सबका दायित्व बनता है। मैं आपके साथ हृदय से खड़ा हूं, ये गुरु महाराज जी का संदेश है। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में श्रीमान प्रधान मुकुंद सिंह जी भी पहुंचने वाले हैं। प्रोफेसर लाल सिंह जी ओशिया केंद्रीय कार्यकारिणी गुरुकुल में हमारे बीच में उपस्थित है। मैं श्री दयालाल जी रमणिया से आग्रह करूंगा कि वो पधारे और श्री लाल सिंह जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। श्री लाल सिंह जी प्राचार्य गुरुकुल से भी आग्रह करूंगा कि वो माला पहना करके प्रोफेसर लाल सिंह जी का स्वागत करें। श्री विशन सिंह जी महिलावास से आग्रह करूंगा कि श्रीफल के द्वारा श्री लाल सिंह जी ओशिया का स्वागत करें और डॉक्टर चंदन सिंह जी हरियासर से आग्रह करूंगा कि वे पधारे और प्रोफेसर लाल सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। मंचासीन सभी अतिथियों का एक बार इस शिक्षा के देवी मंदिर में स्वागत और अभिनंदन करते हुए
मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार करके ध्वनि से इन सबका स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय प्रोफेसर लाल सिंह जी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हम सबके बीच में, जिनका पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित रहा है, ऐसे एक शिक्षाविद समाज के इस कार्यक्रम हम सबके बीच में आपका स्वागत अभिनंदन हुआ। पूज्य गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि शिक्षा के संबंध से निकली हुई ध्वनि राष्ट्र इस समाज को नई दिशा देगा। पूज्य गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में कुछ विशिष्ट परिचय करवाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री महेंद्र सिंह जी किचन आर एस।